तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑस्ट्रेलिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक अपनी बाइक जो मेरी धनो है, मैं उसका रिव्यू देने आया हूँ। तो लोग मुझे कहते थे कि आप अपनी बाइक का रिव्यू क्यों देते हैं, क्योंकि मैं हर बाइक का रिव्यू देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आया हूँ आज मैं अपनी बाइक का रिव्यू देने के लिए, तो जिसका नाम है धनो। तो ये खड़ी है सामने, या ये है धनो मेरी। तो स्टार्ट करते हैं इसका। मैं स्टार्टिंग इसकी मॉडिफिकेशन बताता हूँ कि मैंने क्या क्या इसकी मॉडिफिकेशन, फ्रंट कैमरे से आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये धनो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, मिरर से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो ये जो मिरर्स मैंने जो लगाए हैं, तो ये है तो ZX10R के। तो मैंने क्या करा दोस्तों, कि मुझे जो कंपनी वाले आए थे मुझे वो अच्छा नहीं लगे थे, तो मैंने ZX10R के लगा दिए। तो सच बताऊँ, वैसे इंडिकेटर वाले हैं तो मुझे ये बड़े सही लग रहे थे, तो मैंने ये वाला ले लिया। तो वो थोड़े से सही नहीं लग रहे थे कंपनी वाले, तो मैंने आफ्टर मार्केट जो मिला था मैंने ZX10R के। जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है, मैंने फिर इसके बाद क्रैश कार्ड लगाए मैंने। तो हाँ, ये वाले मैंने क्रैश कार्ड लगाए हैं जो ऑफर मार्केट में मिलते हैं। और साथ में और मॉडिफिकेशन करी है कि मैंने ये जो फॉग लाइट है मैंने लगाई है, क्योंकि जो कंपनी के जो होते हैं दोस्तों, क्या होता है कि जो कंपनी के जो लाइटें होती हैं वो इतना दिखाती नहीं है। अंधेरे में जाते हैं तो कंपनी की जो लाइटें होती है वो मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि दिखता ही कुछ नहीं है। क्या होता है कि दोस्तों, फिर हमने क्या करा कि मैंने इसे फॉग लाइट वाले लगवा दिया, जिससे हमें जब ट्रैवलिंग में जाते हैं, बाहर रूट पे जाते हैं, तो बड़े काम आती है ये लाइटें। ये मत कहने से चलानी है, चलाना है, बट दोस्तों बस थोड़ा सा बच के चलाना। जब भी पुलिस पकड़े तो बस यही कहना है कि भैया सुनसान रास्ते में जब हम जाते हैं ना, तब हम यूज करते हैं, बस यही कारण है पुलिस से बचने के, और कोई नहीं है। इससे यह है कि जब हम जाते हैं मतलब रोड्स पे आते हैं तो नजर आता है, तो दोस्तों क्या बहुत अच्छी ब्राइटनेस अच्छी दिखती है। एक और मॉडिफिकेशन है, ये मैंने लगाई है रिंग लाइट, तो मैं आपको जगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये रिंग लाइट जो मैंने लगवाई थी आफ्टर मार्केटिंग, तो वैसे तो एग्रेसिव लग रही है, जैसे डेविल लग रही है बिल्कुल। एक और चीज लगवाई है प्रोटेक्टर। दोस्तों क्या करता है ये प्रोटेक्टर, जब हम गिरते हैं तो ये हमारा बचाता है हमें, जब हमारे जब लेफ्ट साइड या राइट साइड गिरते हैं ना, तो उससे हमें बचाता है ये, इससे हमारे हाथ बच जाते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट इस चीज का है। तो और मैंने जो मॉडिफिकेशन करी है इसके अंदर मैंने लगाया है व्हील कवर। तो ये जो है मैंने व्हील कवर लगाए हैं, क्योंकि स्पेशल मैंने इसके लिए लगाया है। देखा, आप देख सकते हो कि व्हील कवर क्या मस्त लग रहे हैं। इससे क्या होता है कि लुक आ जाती है, थोड़ी बाइक की लुक आ रही है, इसलिए मैंने लगवाया था। हाँ, बट नेगेटिव पॉइंट्स इसका ये है कि दोस्तों, जब हवा पास जैसे जो कंपनी के लगे होते हैं व्हील्स लगे होते हैं, जब वो बाइक चलती है ना तो बैलेंस रहती है। इससे थोड़ा जब ज्यादा हवा चलेगी ना दोस्तों, उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा नुकसान इस चीज का है। वैसे तो लगाओ तो बेटर। देखो, मैंने आफ्टर मार्केटिंग जो आया था मैंने लगा लिया, क्योंकि मेरे को अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने नाम लिखवाया इस पे और बहुत जबरदस्त लग रहा था ये, तो मैंने ये मॉडिफिकेशन कराई कि यार मेरे को। और कई लोगों को मैंने देखा था बहुत सेक्सी बाइक लग रही थी लोगों की, तो मैंने भी कहा कि मैं एक बार लगा के देखता हूँ। जब लगाया तो भाई साहब ऑसम या जबरदस्त लग रहा है। बस ये इसका प्लस पॉइंट है कि बहुत अच्छे लगते हैं और ये पूरा इसको ढक देता है, एक प्लस पॉइंट ये है। बट एक जो नेगेटिव पॉइंट इसका ये रखा जाएगा कि जब हवा तूफान आएगा, मतलब हवा चलती है ना, तो ये थोड़ा धक्का मारती है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है इसका। और मैंने साथ में आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट हटाई दिया, कंपनी का तो हटाई दिया दोस्तों, मैंने लगा दिया अपना ये एक्वापोविक का मैंने लगाया है एग्जॉस्ट। और सच बताऊं यार, गजब है यार ये, अपने में बवाल है तो आपको, तो आप देख सकते हो ये मैंने एक्वापोविक है। और सच बताऊं इसकी जो आवाज है, तो ये भाई साहब गजब, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये थी मॉडिफिकेशन RS 200 की।
तो बताना कैसे लगे। और दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं शेयर करें, लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे एंड जय हिंद दोस्तों।